पिंजारी, मंसूरी और नदाफ बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा जिन्होंने इस साल 10वीं और 12वीं बोर्ड के इम्तिहान में इम्तियाजी नंबरात के साथ कामयाबी हासिल की है, ऐसे तलबा व तालिबात की हौसला अफजाई के लिए एक पुरवखार तहनीती तकरीब मुनाकिद की गई। शहर के महबूब नगर में मुनाकिदा इस तकरीब में मेहमान खसूसी के तौर पर मशहूर आलिम दीन मौलाना अब्दुल अज़ीम रज़वी, नांदेड़ ज़िला सदर निहाल अहमद मंसूरी, ज़िला नायब सदर शेख ज़ैनुद्दीन पिंजारी, महानगर सदर एडवोकेट ज़फ़र शेख पिंजारी, महानगर नायब सदर शेख हफीज़ पिंजारी, शहर सदर शेख अनवर पिंजारी, शहर नायब सदर अब्दुल रऊफ़ पिंजारी के अलावा बच्चों की बहादुरी के अवार्ड याफ्ता एजाज नदाफ को भी मदऊ किया गया। इस मौके पर कामयाब तलबा और तालिबात को तंजीम की जानिब से शाल, फूल का हार, सर्टिफिकेट और कॉलेज बैग देकर तहनीत पेश की गई। बाद अज़ा तहनीती तकरीब माहिर तालीमात ने तमाम कामयाब तलबा को मुस्तकबिल में तालीम के ताल्लुक से रहनुमाई फरमाई। नांदेड़ ज़िले में बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले 300 से ज़ायद तलबा व तालिबात ने 10वीं और 12वीं बोर्ड के इम्तिहान में इम्तियाजी नंबरा से कामयाबी हासिल की है। बरादरी के ज़िम्मेदारान का मकसद इन बच्चों में तालीम को मज़ीद परवान चढ़ाना है और ज़रूरतमंद तलबा में तालीम के लिए मदद करना है। बरादरी की जानिब से तहनीती प्रोग्राम मुनाकिद करने पर तलबा और उनके सरपरस्तों ने तंजीम का शुक्रिया अदा किया। तकरीब के दौरान ज़ियाफ़त का भी नज़्म किया गया। इस तकरीब में कसीर तादाद में नांदेड़ शहर के अलावा ताल्लुक़ जात के तलबा और उनके सरपरस्तों ने शिरकत की। आज यहाँ पर मंसूरी पिंजारी समाज संगठन की जानिब से 10वीं और 12वीं के बच्चों का हौसला अफजाई और उनको आने वाले कल के लिए मार्गदर्शन के लिए इस प्रोग्राम को रखा गया था और हम सभी ने मिलकर हमारे संगठन ज़िला कमेटी और तालुका वाइज लोगों ने जो है यहाँ पर आकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इन बच्चों को कहना चाहता हूँ कि आगे चलकर अच्छे से अच्छा कामयाब बने और कामयाबी हासिल करें। बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले कमोबेश 200 से 250 लोग बच्चों ने जो है कामयाबी हासिल की है और उनको 95 से लेके तो 85 तक मार्क्स अच्छे से अच्छे गिरे हैं और इंशाल्लाह इनको कामयाब करने की हम पुरजोर कोशिश करेंगे और कुछ किसी को मदद की ज़रूरत है तो बिला दिक्कत हमारे संगठन की जानिब से जान माल वक्त की कुर्बानी देने की कोशिश करेंगे। हमारे सभी बिरादरी भाइयों से जो आए थे, जो बच्चों के तहनीती प्रोग्राम रखा गया था, इस प्रोग्राम के अंदर बच्चों ने अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं, उनकी गुलपोशी की गई और साथ ही उनको सर्टिफिकेट भी दिया गया और आगे उनको जो डेवलपमेंट करने का है उस प्रोग्राम के लिए कुछ टीचर वगैरह की जो भी ज़रूरत है इंशाल्लाह पिंजारा नदाफ पिंजारी फेडरेशन की तरफ से की जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को 10th में 95.20% आए और पिंजारी मंसूरी बिरादरी के समाज की तरफ से हमारी गुलपोशी भी करने में आई, इसलिए हम अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और हम आगे भी ऐसे ही पढ़ाई करेंगे और ऐसे ही हमारे समाज को आगे लेके जाएंगे और हमें बस इतना ही नहीं रुकना है, हमें आगे बहुत ज़्यादा तरक्की करनी है और इसमें हमारे अब्बू ने, हमारी फैमिली ने हमारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और हम आगे भी ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और हम ये बोलना चाहेंगे सभी लड़कियों को कि पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें पढ़ाई करनी चाहिए। लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ाई, इससे रिस्पेक्ट मिलती है, स्ट्रॉन्ग पावर मिलती है और पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमको बस इतना ही कहना है कि लड़कियों को पढ़ाई करनी चाहिए और समाज को आगे लेके जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शेख सानिया और मैंने 12th HSC बोर्ड में 87% लिए है, तो इसीलिए हमारी पिंचारी मंसूरी संगठना की तरफ से गुलपोशी की गई है, उससे हमें बहुत खुशी मिली और हौसला भी मिला आगे पढ़ने के लिए और इस आज के प्रोग्राम में हमें ये भी पता चला कि आगे क्या क्या करना चाहिए। हमें बहुत सारे वेज बताए गए कि आगे कैसे पढ़ना चाहिए और एजुकेशन का वैल्यू, बहुत सारी चीज़ें हमें पता चली जिससे हम और आगे तरक्की कर सके और इन सारी चीज़ों से जो हमारे अंदर एक डर था वो डर ख़त्म हो गया और अब हम आगे बहुत पढ़ेंगे और सबका, फैमिली का, समाज का, डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का, देश का नाम रोशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माहिन गुलाब शेख है, मैं अभी 12th बोर्ड की एग्ज़ाम दे चुकी हूँ और मेरे को 87% आया SSC बोर्ड से। तो जैसे कि आज सब लोग ने, जैसे पिंजारी ग्रुप ने हम लोगों का कॉन्ग्रेचुलेशंस किया है सबके सामने और हमको बहुत सारा इनक्रेज किया है। बस यही मानना है कि सब लोग अच्छे से पढ़ाई करें और आगे बढ़े, जैसे कि हमको सब लोग, हमारे पेरेंट्स, टीचर्स, जैसे कि ये लोग सब ने हमको इनक्रेज करके कॉन्ग्रेट्स किया है जिससे हमको बहुत ज़्यादा मतलब नॉलेज मिला है कि आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं। और हम सब यही चाहते हैं कि सब लोग मिलकर अच्छे से पढ़ाई करें और आगे बढ़े
अच्छे परसेंटेज लाए और सबको, पेरेंट्स को भी इसी चीज़ की वजह से हैप्पी फील होता है। और आज सब हमको ग्रुप जो ये लोग ने इनकरेज किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शाहीन एकेडमी नांदेड़ मियारी तालीम देने में सबसे नुमाया तौर पर सामने आ रही है। शाहीन एकेडमी नांदेड़ की खसूसियात, दाखिला पाते ही तलबा की जाती है काउंसलिंग, जदीद तरीकों से दी जा रही है तालीम, लड़के और लड़कियों के लिए अलहदा क्लासरूम, आला तालीम याफ्ता बासलाहियत और तजुर्बेकार असातिज़ा अंजाम दे रहे हैं तदरीसी खिदमात, असरी तकाजों से हम आहंग डिजिटल क्लासरूम, निसाबी तालीम के अलावा दीनी तालीम का भी किया जा रहा है इंतजाम, तलबा की सहूलत के लिए सैकड़ों किताबों से मुजयन लाइब्रेरी, हर एक तालिब इल्म पर दी जाती है खुसूसी तवज्जो, मोबाइल और ऑटोमोबाइल से पाक कुदरती माहौल से आरास्ता कैंपस, तलबा की हमाजहत तरक्की के लिए स्पोर्ट्स की सरगर्मियों का भी है इंतजाम, फिल्टर आरओ वाटर का भी है नज्म, तलबा और तालिबात के लिए हॉस्टल और मेस की भी है सहूलत, मुकामी तलबा के लिए बसों का किया गया है इंतजाम, CCTV कैमरों से पूरे कैंपस की होती है निगरानी। इस साल शाहीन अकेडमी नांदेड़ से तालीम हासिल करने वाले 200 से ज्यादा तलबा ने मेडिकल में दाखिला पा लिया है। इनमें कई तलबा ने एम्स और IIT जैसे मियारी इदारों में दाखिला पा लिया है। अगर आप भी अपने बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर फिक्रमंद है तो आपके लिए शाहीन एकेडमी नांदेड़ एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म की हैसियत रखता है। मजीद तफसीलात के लिए राबता करें शाहीन एकेडमी, हस्सापुर, वागी रोड, नांदेड़।